हेलो एवरीवन, अगर आपके घर में कच्चे आलू है ना तो बिल्कुल भी स्नैक्स के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्नैक्स में कुछ नया सा क्या बनाएं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, कच्चे आलू से बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल फटाफट वाली रेसिपी है और उसके साथ साथ टेस्टी भी है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, कोई मतलब इतनी ईजी रेसिपी है कि कोई भी बना सकता है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल आवर फूडी मोम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतिका सिंह। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते, पर इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने एक कच्चा आलू लिया है जिसे मैं रफली चॉप करके मिक्सर के जार में डाल दूंगी। तो हमें इसे रफली चॉप ही करना है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरह से रफली चॉप करके एक कच्चे आलू को अब इस तरह से डाल दें। यहाँ मैंने दो छोटे चम्मच मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, इसको हमें डाल देना है, ये कच्चे हैं। और दो सूखी लाल मिर्च ली है, इसको हमें इस तरह से तोड़ के डाल देना है। और यहाँ पर एक कटोरी के करीब मैंने सूजी लिया है, तो सूजी को भी अब हमें क्या करना है कि इसमें डाल देना है। तो ये बारीक वाला सूजी, अगर आपके पास मोटा वाला है तो वो भी चलेगा क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। अब उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना सूजी डाला है उतना ही हमें इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दें। यहाँ मैंने एक छोटे चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। बिल्कुल ज़रा सा हल्दी, सिर्फ कलर के लिए डालना है ताकि थोड़ा सा बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से इसको ग्राइंड कर ले, आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह से है। अभी हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई या पैन जो भी है आपके पास वो चढ़ा दें। मैंने यहाँ पैन चढ़ा दिया, वहाँ एक चम्मच के करीब ऑयल डाल दें, एक चम्मच के करीब ही यहाँ पर काला सरसों, एक चम्मच के करीब यहाँ पर साबुत जीरा यानी कच्चा जीरा, और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हमें सफ़ेद वाला तिल डाल देना है। तो इन सबको डालने के बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा है मिक्सर ग्राइंड में, ग्राइंड करके इसको भी डाल दें। डालने के बाद इसमें ज़रा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस मिक्सर ग्राइंड का थोड़ा सा, जो मिक्सर का जार है ना उसको थोड़ा सा आप इस तरह से ऊपर नीचे करके बस उतना ही हमें पानी डालना है, 2 से 4 चम्मच के करीब पानी डालना है। 2 से 3 मिनट के करीब इसको अच्छे से चलाना है मीडियम टू लो फ्लेम में। काफ़ी अच्छे से हमारा है ना ये ड्राई हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें। निकालने के बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लें ताकि हम आसानी से इसे नीट कर सकें, आसानी से इसे चिकना कर सकें। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेके हमें काफ़ी अच्छे से चिकना कर देना है। इस तरह से हमें, जैसे हमें आटे का पोर्शन लेते हैं ना, उस तरह से हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, जिस तरह से हम आलू के पराठे का हम पोर्शन लेते हैं उस तरह से लेना है। और लेने के बाद इस तरह से लंबे लंबे आकार में हमें इसको इस तरह से करना है, रोल करना है। और रोल करने के बाद बस इस तरह से हमें काफ़ी अच्छे से हमें इस तरह से लंबे आकार में इस तरह से इसको कर दें। करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फाइन कर दें, चिकना कर दें इस तरह से। और इस तरह से नाइफ़ की सहायता से हम इसे छोटा छोटा सा कट कर देंगे, इस तरह से कट कर दें। इस तरह से आप सारे अपने नाश्ते को इस तरह से ही कट कर दें। तो देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से कट हो जाता है, इस तरह से काफ़ी आसानी से कट करते हैं। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी निकालेंगे। जिस तरह से मैंने अपना पहला बैच आपको दिखाया था ना, इसी तरह से हमें अपना दूसरा बैच भी निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से चिकना कर लिया है, इस तरह से लंबे आकार में काफ़ी अच्छे से इसे चिकना कर लिया है। चिकना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इस तरह से प्लेट में निकाल लें। प्लेट में निकालने के बाद अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। यहाँ मैंने ऑयल को हीट होने के लिए पहले ही रख दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें काफ़ी अच्छे से ऑयल को हीट करना है, यानी कम हीट नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से ज़्यादा हीट होना चाहिए। अगर आप कम हीट करेंगे तो आपका जो नाश्ता है ज़्यादा तेल को सोख लेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी हम फ्राई करते हैं ना चीज़ें, तो ये ऑलरेडी आधी पकी हुई चीज़ है, तो हमें क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम करना है। तो इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें काफ़ी अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे इस तरह से सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कच्चे आलू और सूजी का जो ये नाश्ता है, आप इसे कच्चे आलू सूजी का नाश्ता बोले या नगेट्स बोले, गाइस ये सूजी का जो नगेट्स है, अगर आपने एक बार बना लिया तो मतलब आप जो भी आप नगेट्स खाते हैं ना आप वो भूलने वाले हैं। तो इस तरह से हम अपना पहला बैच निकाल लेंगे और इसी तरह से मैंने अपना दूसरा बैच डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नगेट्स है कितना टेस्टी बन के हमारा तैयार है, बहुत ही फटाफट बन जाता है। बच्चे अगर कुछ अलग खाने का और नया खाने का ज़िद करें तो आप उस तरह से इनको रेसिपी बना के दे सकते हैं। घर की रेसिपी दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, आप उनको बाहर की रेसिपी बिल्कुल मत दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत दीजिए। जो बनाना है घर में बना के खिलाइए बच्चों को या बड़ों को। तो गाइस मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे विदा दीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक राधे।